नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टेलरिंग मास्टर। मैं आपका अपना भाई मुरली कुमावत। आज कई दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज का मेन टॉपिक यही है कि बड़े वाली मशीन में नीडल कैसे लगाते हैं और कौन सी कंपनी की सबसे बेस्ट रहती है। तो मशीन कोई सी भी कंपनी की हो, जो कि जैक और ये हमारे पास जो ये फूकन की है, इसमें सेम तरीका है लगाने का। और हम सही से नहीं लगाएंगे तो सही से काम भी नहीं करेगा। और तो हमें इस मशीन में हमारे सुई जो लगाना है वो बेस्ट कंपनी ऑर्गन है। तो ऑर्गन में लोकल और डुप्लीकेट दो तरह की आती है। आपको ओरिजिनल ही यूज़ करना है, तभी आपकी मशीन सही से काम करेगी। तो पहचान हम सुई की ओरिजिनल की ये करेंगे कि ओरिजिनल सुई है, उसमें जो ऑर्गन का लोगो होगा वो डायरेक्ट होगा थोड़ा, और डुप्लीकेट में लाइट होगा। तो इस मशीन के साथ हमारे जो सुई आई थी, नहीं लाया था मैं तब ये डॉट्स कंपनी की आई थी, ये देखिए। पर मैं उसे यूज़ इसमें ऑर्गन ही करता हूँ। 14 नंबर ही यूज़ करें, क्योंकि इसमें एकदम सही से हमारा टांका लगाती है और तीब तूब कुछ भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। तो अब हम इसको लगाएंगे, सुई को अच्छे से आपको बताएंगे। अगर सही से नहीं लगाएंगे तो मशीन सही से वर्क नहीं करेगी, क्योंकि हाई स्पीड मशीन है। हम लगाते हैं, लगाने का तरीका आप देख लीजिए। सबसे पहले हम ये वाला ये नट दिया हुआ है इसको लूज करेंगे। ये देखिए, ये हमारा दिया हुआ है, ये देखिए, इसको लूज करेंगे। इसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो इसको हम कर लेते हैं लूज, पेचकस की सहायता से ये करेंगे लूज। और ये थोड़ा लूज करेंगे तब हमारा ये सुई इस टाइप से निकल के ये बाहर आ जाएगी। ये सुई है हमारी थोड़ी आगे से ख़राब हो गई है, ये देखिए। तो हम करेंगे चेंज, मैं ऑर्गन की लगाऊंगा, ये वाली मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ये हमने नई सुई ले लिया है और इसको ये सारी सी है ये साइड रखेंगे बाहर, ये गड्ढा सा दिया हुआ है सुई में, ये बार की साइड रखेंगे, ये देखिए गड्ढा दिया हुआ है, ये रखेंगे इस साइड, बार की साइड रखना है, एकदम सेंटर में रखना है। सेंटर में नहीं रखोगे तो आपकी सिलाई सही नहीं हो पाएगी। और इसको डाल देंगे इसके अंदर और अच्छे से देख लेंगे ये जो खाली दी हुई है ये सही से है या नहीं, एकदम सेंटर में रखना है। ये हमारा सेंटर में आ चुका है और इसको हल्का प्रेस कर लेंगे ताकि खिसके ना। और इस ये स्क्रू है इसको कर देंगे टाइट, ये हमारा स्क्रू टाइट हो गया है। अब ये कंप्लीट हो गया है। तो आप इस तरह से लगाएंगे तो आपकी मशीन एकदम बढ़िया से चलेगी। अम्ब्रेला मशीन है, उसमें थोड़ा तरीका अलग है, आप पर अगर कहो तो मैं उसी का भी वीडियो आपको दे सकता हूँ। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। आप वीडियो फुल वॉच करें और लाइक शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर करें। मैं कई दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ तो सपोर्ट ज़रूर करें। अब मैं आपको चला के बताता हूँ एक बार। ये मैंने धागा लगा के कर लिया कंप्लीट। अब मैं सिलाई लगा के दिखाता हूँ आपको। ये कपड़ा रख लिया, अब लगाएंगे सिलाई। ये सिलाई हमने लगा ली, देखते हैं कैसी आई सिलाई। ये देखिए बहुत अच्छे से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये देखिए एकदम बढ़िया आ रही है। तरीका यही आपको रखना है, खाली है वो बाहर की साइड रखनी है इस साइड, और बाकी इस साइड रखना है। क्योंकि कई बार क्या करते हैं कि हम खाली है वो अंदर की साइड रख देते हैं तो सिलाई सही नहीं हो पाती है। तो मैंने इसका यही है। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।